जेड़ी मेरी हालत है ना, खुदा दा वास्ता है मेरी वीडियो ने बनाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ नईम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल काशिफ नईम व्लॉग्स। कोरोना नेगेटिव आने के बाद आज पहले दिन मैं और मेरा भतीजा सैफ खान हम दोनों बाहर निकले हैं, थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेनी हैं घर की और बाकी भी छोटे मोटे काम हैं वो काम करेंगे, आपके साथ कुछ अपनी मोमेंट्स जो हैं वो शेयर करेंगे। कोरोना की वजह से इतनी डरी हुई हालत है कि गाड़ी में फैमिली अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए या इवन घर में बैठे हुए तब भी मास्क उतारने का कभी कभी दिल नहीं करता। चुप क्यों हो गई है, कुछ ना कुछ तो गल नहीं कर। यार ये ट्रैफिक दे हालात है। आया था जनाब मिलने अहमद तल्हा साहब को, ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं अहमद तल्हा। तो भाई साहब कहते हैं कि आप आए हैं तो खाए बगैर नहीं जाएंगे, लेकिन घर में इन्होंने कुछ नहीं खिलाया। बेगम इनकी पता नहीं मसरूफ थी या शायद वो बना के कुछ खिलाना नहीं चाह रही थी, तो भाई साहब KFC लेके जा रही हैं। मैं आपको बाहर से खिलाना जा रहा था। अच्छा, आप मुझे बाहर से खिलाना चाह रहे थे, सही। तो अभी भाई साहब KFC लेके जा रहे हैं, देखें वहाँ पे क्या खिलाती हैं। और बाकी तल्हा भाई आप सब ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, उस्मान और वकास सारे भाई ठीक हैं? सब शुक्र अल्लाह का माशाल्लाह। क्या हो रहा है आजकल? बस काम के अलावा क्या कर सकते हैं। कुर्बानी कैसी गुजरी? शुक्र अल्लाह का बहुत ज़बरदस्त। गोश्त तो मेरे ख्याल में सारा आप ही ने खाया होगा, क्योंकि फील भी हो रहा है मुझे। ये आपका भी इधर नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा, मैंने तो थोड़ा सा खाया था लेकिन आप लगते हैं आपका जानवर बड़ा सा लगता है, लेकिन आपने उसी हिसाब से ही खाया है फिर। हाँ, कुर्बानी का तो खाते हैं। अच्छा, कुर्बानी का खाते हैं, उसके बाद नहीं खाते? उसके बाद नहीं खाते। और पूरा स्टोर किया हुआ है या? पूरा एक साल का स्टोर कर लिया। वैसे आपका जो जानवर था ना जी, जो स्पेशली बकरा था, वो अगले दिन मेरे ख्वाब में आया है। तो ख्वाब में मुझे आके वो कह रहा था कि मैं अकेला बेचारा वहाँ पे बैठा हूँ, मेरी एक टांग जो है ना वो तल्हा की पूरी फ्रिज में ना पूरी की पूरी पड़ी हुई है, अभी भी पड़ी है। तो हाँ पड़ी है ना, तो वो कह रहा था कि तल्हा से जाके कहिए कि बराए मेहरबानी वो मेरी टांग खा लें, ताकि वो मेरी टांग वहाँ तक पहुँचे तो मैं चल फिर ठीक सकूँ। तो मेहरबानी करें वो फिर, या तो हमें किसी दिन दावा दे दें, ठीक है, या फिर खुद ही पका के खा लें। ठीक हो गया, किस दिन फिर? जिस टाइम मर्जी, घर में करें या कहीं बाहर जाके करें? बाहर जाके, ये ज़्यादा अच्छा है। चलेंगे, अब शब भी हो जाएगी। यार किधर बजने? यार चलो इतना ही, चलो पहला शुरू तो मूड ही फुल भूखे। तो जेडी शेम बड़ी वडी होवे, जेशी होवे यार, जेडी शेम मिल सी थाऊ मिल सी ए ना होवे ना कि वाल बुक जेडी है वाला ये वाला ही केनो एक था अच्छा कार ते लावण वाला माउंट। ग्लास माउंट आडर थाऊ ने बनाई अगो के देवने थाऊ ने ऐसी था ए अगो माइक लगा मैं ऑर्डर यार ਵਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਭਾਊਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਖਾਸੋ ਸਰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਪਾਸ ਤੋਂ ਆਨੇ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹਲੋ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਾਈਟੀ ਕਰ ਦੇ ਓਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੰਚ ਕਰ ਦੇ ਓਕੇ ਔਰ ਦੋ 7 ਅਪ ਜਾਂ ਪੈਪਸੀ पेप्सी एक माइटी एक क्रंच और दो पेप्सी 7 माइटी 1 क्रंच बर्गर और उसके अलावा और दो ड्रिंक्स दो ड्रिंक्स आपको कैसे पता है? सॉरी आपको कैसे पता है? सर आपने ऑर्डर दिया, वो तो मैंने पीछे वाले भाई को बताया था। सर वो मैं ही था वहां, नहीं ये ज्यादती है। फिर आप यहां से बैठ के हमें वहां पे देख रहे हैं? सर देख नहीं रहा मैं आपको, सुन रहा हूं। तो देख क्यों नहीं रहे आप? सॉरी देख क्यों नहीं रहे आप? कैसे देख? अच्छा सही, 9 फीट। दो ड्रिंक्स हैं यार, कोल्ड ड्रिंक कहोगी बेटा? ये भी पेप्सी है जी। थैंक यू। तल्हा साहब ने माइटी जिंगर की ऑफर दी थी, माइटी जिंगर लेके दी है। तो अब हैं थोड़े रास्ते में, एक और दोस्त की कॉल आ गई थी, उसके पास जा रहे हैं। तो
वहाँ जाके या रास्ते में कहीं रुके, क्योंकि अगर उस दोस्त के साथ शेयर करना पड़ गया तो फिर भूख नहीं ख़त्म होगी, भूख बहुत लगी हुई है, तो रास्ते में कहीं रुक के खाते हैं। तला साहब, आपने क्रंच मंगवाया, क्रंच से आपका गुजारा हो जाएगा? हाँ जी, मैंने खाना खाया हुआ है। आपने खाना खाया, अच्छा खाना खाया हुआ है, उसके बावजूद भी आप क्रंच जो है ना वो खाएंगे? क्रंच खा लूंगा। यानी कि छोड़ना नहीं है कुछ, आपके साथ क्या? जहाँ पे कुछ ना कुछ खाने को मिले वहाँ पे खाना है। हाँ जी। ये वैसे मेरा 8-9 साल से दोस्त है अहमद अल्लाह, और बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो बल्कि बच्चा दोस्त है मेरा, प्यारा सा है भी मेरी तरह, गुप्लू वाली बात शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। एक आम खाना और दूसरा ये जिंगर, बड़ा वाला जिंगर खाना, जिंगर माइटी जो भी होता है ये खाना, बड़ी हिम्मत की बात है। बंदा मुंह और हाथ ख़राब किए बगैर किसी तरह भी नहीं खा सकता। हम आए हुए मिलने जनाब मोहतरम चौधरी नदीम खरल साहब के साथ। ये हैं जनाब चौधरी नदीम खरल साहब, ये हैं जनाब, सॉरी जेड़ी मेरी हालत है ना, खुदा दा वास्ता मेरी वीडियो ने बनाई। नहीं वैसे आपस की गल है, भी तुहाडी वीडियो च की है या तुहाडी हालत च की है? मेरी हालत है इस टाइम एवें ही है भी जिवें हुणे मैं ट्राली तो लथा। नहीं ट्राली वाले तुसी बिल्कुल नहीं लग रहे, ट्राली वाले तुसी बिल्कुल नहीं लग रहे, जदों तू मेरे कोल वीडियो बनाया ए फील हो रहा है जिवें तुसी हुणे आटे वाली चक्की तो कम कर गए। जी सर यही गल कर रहे हैं, तुसी ए मेहरबानी करो। अब बच्चे और ये हैं जनाब मिस्टर हसन नदीम खरल साहब, सैफ खान साहब और जनाब मोहतरम तलाल खरल साहब। सैफ साहब, अभी हम गाड़ी में थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे थे? निम्को, हमारा निम्को खाने का मूड हो रहा था, तो ये लें जनाब निम्को हमारे इस टाइम सामने है, साथ में मिरिंडा भी है और बिस्किट भी हैं।